कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य अजय द्विवेदी आपसे आज चर्चा करता हूँ गंगा दशहरा के पावन पर्व की, मुहूर्त की और महत्व की। जी हाँ, 20 जून 2021 दिन रविवार को गंगा अवतरण हुआ है। गंगा जी पृथ्वी पर आई, भगवान ब्रह्मा के कमंडलू से भगवान शिव की जटाओं में आई और इसके बाद भगवान शिव ने उनको गंगा को एक लट के रूप में जो धरती पर भेजा है। भागीरथ जी महाराज आगे आगे चल रहे थे सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा का अवतरण आज के दिन हुआ। तो मित्रों, हम आपको बताएं कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदियों में विशेष स्थान रखती है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में यदि किसी व्यक्ति के अस्थियां तक भी आकर के गंगा में गिर जाएं तो उस व्यक्ति का जीवन मरण से संबंध ही छूट जाता है और वह सदैव सर्वता के लिए अपने आप को आवागमन के इस चक्कर से छुटकारा प्राप्त करा लेते हैं। तो गंगा दशहरा जो कि दशमी तिथि 19 जून 2021 सायंकाल 6 बजे से 6:50 से प्रारंभ हो रही है और 20 जून को 4:25 तक रहेगी। तो गंगा जी का जो पावन पर्व है, गंगा दशहरा को जो पावन पर्व है, ये 20 जून 2021 को मनाया जाएगा। मित्रों, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।